सो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऑफिशियली MIUI 11 के थीम के बारे में, जो कि आपको डिवाइस में फुल्ली सपोर्ट करेगी अगर आपका जो डिवाइस है वो MIUI 11 पर रन करता है। तो गाइस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास है रेडमी नोट 6 प्रो और उसमें इंस्टॉल है MIUI का लेटेस्ट वर्जन यानी कि 11.0.1.0। और गाइस, ये थीम है वो आपको थीम सेंटर में मिल जाएगी, यानी कि जो थीम है वो आप परमानेंट सेट कर पाएंगे अपने डिवाइस में। तो गाइस, अब आपको कोई भी थर्ड पार्टी थीम को डाउनलोड करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ढेर सारी आपको थीम के रिलेटेड वीडियो और MIUI 11 के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना टाइम गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो थीम है वो आपको मिल जाएगी थीम सेंटर में, और जो थीम की लिंक है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप इजीली गाइस इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी कि MIUI थीम एडिटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कुछ स्टॉक एंड्रॉइड की तरह आपको यहाँ पर आइकन पे के वो देखने को मिल जाते हैं। गाइस, यहाँ पर जो क्लॉक का विजेट है वो सिंपल सा देखने को मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पर आपको iOS स्टाइल की पैनल है वो देखने को मिल जाती है। गाइस, अब बात आती है कि MIUI 11 की जो थीम है उसमें नोटिफिकेशन पैनल सपोर्ट नहीं करता है। तो गाइस, इस थीम में आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जो नोटिफिकेशन बार है वो सपोर्ट करती है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक एंड्रॉइड की तरह आपको यहाँ पर जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। गाइस, अगर बात करें सेटिंग को, तो सेटिंग में गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि गाइस, यहाँ पर आपको आइकन देखने तो चेंज देखने को नहीं मिलता है, पर गाइस यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसमें आपको चेंज लुक देखने को मिल जाता है। गाइस, और बात करें इस थीम के बारे में, तो गाइस यहाँ पर और बात करें फ़ोन डायलर की, तो फ़ोन डायलर भी आप चेक कर सकते हैं। जो MIUI 11 का फ़ोन डायलर है उससे थोड़ा अलग लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। ये जो थीम है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और जो थीम अवेलेबल है वो थीम सेंटर में, ना कि गाइस आपको MTZ फाइल को डाउनलोड करना है। गाइस, यहाँ पर बात करें लॉक स्क्रीन की, जो लॉक स्क्रीन है वो कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको अगर फिंगरप्रिंट पर टैप करते हैं तो आपको मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा स्वाइप अप टू अनलॉक। तो गाइस, ये थीम बताइए आपको ये थीम कैसी लगी। गाइस, थीम पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस, तो गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं थीम को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आप जैसे थीम सेंटर में जाएंगे तो आपको सर्च करना है एंड्रॉइड गो V10 वर्जन 3 को। गाइस, अगर नहीं मिलता है तो लिंक तो मिल ही जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। गाइस, इसको इजीली डाउनलोड करके अप्लाई कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको ये थीम कैसी लगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।